गाइस, माय नेम इज बिरेन सिंह। वेलकम टू द ई लर्नर प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि गेट ने अपना जो पेपर है और आंसर की रिलीज कर दिया है, गेट आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं फाउंड आउट होता तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर या मेरी टीम जो है आपको हेल्प कर देगी। नाउ सो कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि एग्जाम आ चुका है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रुप्स में परेशान हो रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अगर मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी को आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज पेपर था बायोटेक्नोलॉजी का, लिटिल बिट न्यूमेरिकल परस्पेक्टिव से चीज़ें जो थोड़ी ज़्यादा थी, तो कट ऑफ जो है वेरी करेगा या 30 के आसपास जो है कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट लाइक कि 30 के आसपास जो है आपका कट ऑफ जा सकता है। फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 27 के आसपास हो सकता है, एससी एसटी के लिए लगभग लगभग 20 के आसपास हो सकता है। लाइफ साइंस के ऊपर बात करें तो उसमें जो है 34 मार्क्स हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री वॉज क्वाइट ईजी, पूरा का पूरा जो है पढ़ाया हुआ आया था। जितना भी मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, मैंने जब पेपर देखा तो मुझे लगा कि ये तो नोट से उठा के पूरा पूरा पूछ दिया। ए टू जेड बायोकेमिस्ट्री नोट से आया हुआ था। एंड उसके बाद बॉटनी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट स्टिल जिन्होंने ऑप्ट किया होगा वो उनको लगा होगा। जूलॉजी भी ठीक ठाक था, कर सकते थे। ओबीसी के लिए 30 जाएगा, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। एंड एससी एसटी के लिए ये जो है आपका 22 कट ऑफ जा सकता है। बायोमेडिकल के लिए, अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने ऑप्ट किया था, जनरल कट ऑफ 28 के आसपास जाएगा, ओबीसी के लिए 25 के आसपास जाएगा और एससी एसटी के लिए 19 के आसपास जा सकता है। सो दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर जो वेरी करेगा 1 मार्क्स ऊपर नीचे जो है वेरी कर सकता है, 1 या मैक्सिमम 2 मार्क्स कर सकता है, उससे ज्यादा ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है, इस तरीके से आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं वो लोग होप ना खोए, जो लोग थोड़े बहुत 1 मार्क्स से ऊपर नीचे हैं वो लोग होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग कट ऑफ जो है आप क्वालिफाई करें। जो लोग ज्यादा नीचे हैं तो वो लोग अगले एग्जाम की तैयारी करें, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो लोग इसके ऊपर हैं वो लोग एक कहते हैं कि अच्छे तरीके से, आप कहते हैं कि एक सुकून वाले फीलिंग में जा सकते हैं। एंड एक वीडियो मैं लेके आऊंगा रैंक प्रिडिक्शन के ऊपर, और एक वीडियो और भी आएगा जिसपे हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन गेट द लाइक क्या रैंक मैटर करता है, क्या आईटी जेई में कैसे प्रोसीजर क्या होते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं गेट को यूज करके। ये वीडियोस जो हैं आपको अपकमिंग डेज में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।